ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4B पार्ट 12 कक्षा 10 की गणित है, एनसीईआरटी पैटर्न के डॉक्टर मनोहर रे इस किताब के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 12, 3x² - 4y² = 11 में यदि x बराबर 3 हो तो y का मान क्या होगा। 3x² हल है 3x² - 4y = 11, x बराबर 3 रखने पर, ये जो x का मान दिया इसमें रख देंगे 3, x का स्थान पर 3 रखें का होल वर्ग माइनस 4y² = 11, 3 गुणे, यदि किसी भी कोष्टक में ऋणात्मक पद हो और उस पर समघात हो तो सदैव धन होता है और 3 का वर्ग कर देंगे 9, माइनस 4y² = 11, 9 × 3 = 27, माइनस 11 का पक्षांतर इधर कर देंगे माइनस 11 = 4y², ये घटा देंगे 16 = 4y², अब 4 को इधर भेज देंगे 16 = 4y², 4 को इधर भेजेंगे 16 के बचा हो जाएगा क्योंकि अंगूढ़े का चीज का वर्ग 4 से इसमें घटा देंगे, 4 × 16 = y², अर्थात y² = 4, y = +4, इसका वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा +2। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, इसका तात्पर्य है -2, -2, दो मूल हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13, x² + 5 = 20 को हल कीजिए। x² + 5 = 20, इसका इसमें तीन गुणा कर देंगे x² = 100, x = +100, 100 का वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा +10। इस प्रश्न नंबर 13 के आधार पर इसी प्रश्नावली का 1, 2, 3, 4 उधर भी प्रश्न आपको दिए हुए पहले के हल हो चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक करें, कमेंट भी लिखें और शेयर भी कर दें। और ये भी बता दूं कि कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी के अतिरिक्त यहाँ बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि की कक्षाएं भी चलाई जाती है, TET, CTET की भी कक्षाएं चलाई जाती है। और हमारे कोचिंग का नाम है मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दुल्लापुर थाने से 1 किलोमीटर पूर्व कोटा हनुमान मंदिर के पास स्थापित है। यदि आपको संपर्क करना है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9415875729 और ये चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक पढ़ें तब आपको फायदा मिल सकता है। Thank you.